नमस्कार वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवी नवाज से। दोस्तों, कैमरामैन मनी सिडाम के साथ हम लोग पहुंचे हैं उमरेड विधानसभा के भीवापुर शहर में, और यहां से जानेंगे लोगों के मन की बात कि आखिर लोग आगामी विधानसभा, जो कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लगने वाली है महाराष्ट्र में, तो उमरेड की विधानसभा के लिए भीवापुर की जनता क्या सोचती है। ये गाड़ी के लिए बना रहे वो रूम आप लोगों को देने के लिए, तो हम लोगों को अभी ठहराव पास करके रखा है। हाँ, देंगे। हाँ, वो देने के लिए रखा है अभी। अच्छा, अभी क्या लगता है उमरेड विधानसभा में भीवापुर से किसका माहौल रहेगा? भीवापुर से माहौल रहेगा बीजेपी का माहौल रहेगा, और यहाँ बीजेपी का माहौल इसलिए रहेगा कि उसकी वजह जो है लाड़की बहन योजना चालू की है, और वो बीजेपी इसलिए माहौल में आएगी कि यहाँ जो गवर्नमेंट की योजना है, जो पब्लिक सिटी में चल रही है जो योजना का माहौल, उसके वजह से कोई भी उम्मीदवार दे वो बीजेपी, लेकिन बीजेपी का कमल खिलेगा यार, खिलेगा। और जो पंजाब का जो खेल है, यहाँ की जो प्रतिनिधि है वो बराबर काम नहीं किए, या भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम नहीं होगा। राजू पारवे और सुधीर पारवे आमदार रह चुके हैं यहाँ से, पिछले 15 सालों से नेतृत्व कर चुके हैं लगभग 14.5 साल से। हाँ। दोनों में काम किसका अच्छा है वो बताइए। काम तो अभी टोटली वैसा देखा जाए तो अभी राजू का है। राजू का तो काम उसमें से हाँ थोड़ा अच्छा है, कुछ किया थोड़ा, लेकिन सुधीर ने कम परसेंटेज है उसका। अबे घरडे पैसे बांट रहा है, इधर बांट रहा है, ये इधर बांट रहा है, करोड़ रुपया बांट रहा है। हाँ, घरडे पैसे बहुत बांट रहा, सारी बांट रहा है, लेकिन उतने पैसों में वहाँ एक कंपनी खोलना चाहिए था। बांट रहा है अभी से नहीं, एक साथ बीमारी का बहाना लेके जाओ, कोई भी बीमार है अपने घर में, कोई भी सामने जाओ तो दोस्तों भी देगा, वो दे रहा है, साड़ियाँ बांट रहा है। आज ऐसी हालत है व्यापार में, आज देखो आज बाजार की कंडीशन है, व्यापार का बाजार आज 200 रुपए धंधे वाला नहीं कमा रहा। तो बाजार तो पूरा ठंडा दिख रहा है, हमको आज नहीं दिख रहा, हमको लग ही नहीं रहा आज बाजार है। आज व्यापार में 200 रुपए इसकी वजह है, अभी जो काश्तकार का माल निकल रहा है, सोयाबीन निकल रहा है, पानी का मौसम है, उसके वजह से मजदूर अभी काम को लग गए। अच्छा, एक बात बताइए भैया, एक आम बात, जैसा कि लोगों ने बताया कि घरडे बहुत पैसे बांट रहा, सारी बांट रहा, पैसे खर्चा कर रहा, ये बताइए जो घरडे जो पैसे खर्चा कर रहा है, इससे घरडे अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? ये बुरा कर रहा है मेरे हिसाब से, या लोग बेईमान है, पैसे कितने भी जो लोगों को पैसों की लालच देके कोई आगे नहीं, पैसे के लालच वो सोच रहा है कि पैसे के लालच से मेरे को होप मिलेंगे दुनिया में, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमदार आप किसको देखना चाहते हैं, सीधी सीधी बात? अगला आमदार अभी जो पार्टी छोड़ दो, एक तरफ पार्टी छोड़ के एक नाम जो भी अभी डिक्लेयर होने के बाद डिसाइड करेंगे, ऐसे डिसाइड कैसे करेंगे? चलो ठीक है। बेरोजगारी बहुत ही यानी वो तो बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा सिर्फ भीवापुर उमरेड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में है बेरोजगारी, वो तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा है। और उसके अलावा राजू पारवे के काम से, मतलब ओवरऑल जो काम है उससे आप लोग खुश हैं या नहीं? कुछ खुश है, कुछ ना खुश है। उन्होंने जैसे खेड़े पाड़ों में बहुत काम किया, बल्कि अभी कस्टमर आते हैं तो बताते हैं राजू पारवे के बारे में, इसलिए अपने को मालूम ही नहीं, तो अपन दुकान और अपना घर इसलिए बात करते हैं। जैसे कस्टमर आपके पास हर टाइप के कस्टमर, तो आपको हर टाइप की बातें सुनाई में आती होंगी। अभी उसी दिन एक कस्टमर आया था मकर धोकरे का, ग्रामीण भाग का उमरेड क्षेत्र में, वो बता रहा था राजू पारवे आना चाहिए, बोलिए हमारे इधर बहुत काम किया है, बोलिए ऐसा वगैरह बता रहे थे मकर धोकरे को, बोलिए अच्छी बात है, अच्छा किया। साहब राजनीति तो आपको मालूम ही है, राजनीति कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। कांग्रेस में कोई चेहरा आप देखते हैं कि जो राजू पारवे की टक्कर देगा अगर चुनाव में? मेश्राम है शायद, संजय मेश्राम, ये सुनी हूँ नाम मैंने। और कोई नाम सुने आप कांग्रेस में? कांग्रेस में अभी जो यहाँ पे सभा हुई थी डिजिटल हॉल में, कोई नया चेहरा है बच्चे लेडीज मैडम थी, वो मैं गई नहीं बनना, तो वो आए थे बोलते कांग्रेस के लिए, वो भी खड़ा रहना चाहते थे, लेकिन आप मेश्राम का नाम सुने? हाँ, सुटे वगैरह का नाम सुने क्या? नहीं, अभी आप मुँह से सुन रही खाली। उम्मीदवार कौन से कौन से वही तो नहीं पता ना। राजू पारवे काम कैसा? काम तो बहुत बढ़िया है। मान लीजिए कि राजू पारवे अगर फिर से खड़े हो जाते हैं, तो राजू पारवे को टक्कर कौन दे सकता है कांग्रेस से, आपको क्या लगता है?
कांग्रेस को टक्कर कोई नहीं दे सकता, बीजेपी से कैसे सब परेशान है यहाँ। अच्छा तो आप लोग आज बाजार करने आए थे, कहाँ पे आप लोग? ये सभी एक साथ पहचान वाले हैं क्या? पहचान वाले हमारे। अच्छा तो मोहल्ले वाले निकले हैं बाजार करने। अच्छा लाइटली के पैसे खरीदी करने के लिए निकले। अच्छा पैसे है इसलिए आप लोग खरीदी करने निकले। लेक लाडली का वायदा तो हर बूथ के ऊपर भी आपको बता रहा हूँ, हर बूथ जो 300 बूथ है ये उमरठ विधानसभा के अंदर में, हर बूथ में 20-25 मत ज्यादा मिलेंगे उनको कमर, क्योंकि ये सिस्टम बहुत अलग है। अभी हमारे हिसाब से तो इधर उधर से यही बात चल रही है कि प्रमोद जी घरडे पैसे बांट रहे हैं इसलिए? नहीं पैसे बांट रहे हैं इसलिए नहीं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसलिए। यानी जैसे कि इन्होंने वो घरडे साहब 4 साल से काम कर रहे हैं, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से तो उनके पास अभी कोई नहीं है, संजय जी मिश्रा काम तो किए उन्होंने। अच्छा फिर बार में राजू पार्वे का दो आमदार लगातार हम लोग 15 साल से लगभग देख रहे हैं, अब दोनों पार्वे में से राजू और सुधीर में से अगर सिर्फ काम की बात की जाए तो दोनों पार्वे में से काम किसका, कौन सा पार्वे? राजू पार्वे का। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा राजू पार्वे? राजू पार्वे का। आपको क्या लगता है? राजू पार्वे का काम अच्छा। अरे उम्मेदवार उम्मेदवार मन लिया था तो 10-12 उम्मेदवार है, राजू पारवे है, सुधीर पारवे है, इकड़ा खड्डे है, प्रमोद खड्डे है, मेश्राम उबाय पुना डॉक्टर संजय मेश्राम पुना तो मेश्राम पुना दूसरा मेश्राम तो आए सीधा पुना गजबिया है बागमारी है यात्रा समझा उबे झाले से आपण माहौल कसा सांगा। चाय में हम बाधा नहीं बनेंगे, आप चाय पी बात तो कोई बड़ी बात नहीं बोलिए। अच्छा मुझे बताइए उमरेड विधानसभा का आपके हिसाब से अभी माहौल क्या है फिलहाल का? अभी फिलहाल उमरेड विधानसभा का माहौल हाल फिलहाल में अभी अपक्ष उम्मीदवार की तरफ से रहेगा। अपक्ष यानी कि आप लोग पक्ष वालों की तरफ से नाराज है? नाराज है, चाहे कोई भी पक्ष हो, कोई भी हो, अपक्ष को आप पसंद करते हैं? हाँ आप कहा मौका पर टिकाऊ विधानसभा कौन सा आता है? यही आता है, उमरेड ही आता है ना? हाँ। अभी उमरेड विधानसभा में अगला आमदार के इसमें आप किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को, बीजेपी को, बीजेपी बोले तो महायुति को, महायुति को। अच्छा महायुति में, महायुति है ना? हाँ 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 बराबर है ना, महायुति, महायुति वर्सेस महाविकास, महाविकास जी का बराबर। आप महायुति को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। कौन चुन के आएंगे? अच्छा राजू पारवे का भी काम कैसा लगा 5 साल? पाँच साल नहीं, 4.5 साल का थे ना, 4.5 साल वो काम कैसा था? काम अच्छा था, थोड़ा उसने पुल वुल बनाया, बाकी कुछ तो कुछ नहीं है। काम अच्छे रहेगा उसका, हमारे गांव का राजू पारवे का। आपके गांव का है? हमारे गांव का है। कौन सा गांव? बीवापुर का रहने वाला है। प्रॉपर काम कैसा है? काम बढ़िया है उसका, काम बढ़िया है उसका। अच्छा लगे सुधीर पारवे दो साल का उम्मीदवार है, आमदार है, दो बार तो उसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। अच्छा राजू पारवे और सुधीर पारवे दो भाई, दोनों चचेरे मामेरे भाई है वो, ठीक है, लेकिन दोनों का काम आपने देख लिया बराबर? दोनों में से किसका काम अच्छा है? राजू पारवे का। राजू पारवे का, राजू पारवे। अच्छा कांग्रेस से कोई चेहरा है क्या? जो नहीं कांग्रेस से तो कोई चेहरा है, कांग्रेस का नहीं है तो टक्कर दे सकते? कांग्रेस में बढ़िया, कांग्रेस में बढ़िया राजू पारवे था, लेकिन उन्होंने कैसा भी हुआ वो टक्कर देने वाला आदमी था नहीं, लेकिन यहाँ से आजू बाजू के 5-25 गाँव है, यहाँ से हर रोज मजूर 500 मजूर उमरेड में जा रहे काम करने के लिए, लेकिन कटाई के अलावा यहाँ कोई काम नहीं है। भ्यापुर का मजूर आज 200 रुपए कमा रहा है, यहाँ के जो मजूर है सिर्फ डंडी कटाई के भरोसे जी रहे हैं।